नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। जैसे कि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे कि 1 + 3 कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 क्या है, इवन नंबर है। उसी तरह ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर, 3 - 1 कीजिए तो 3 - 1 कीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर। तो इसलिए जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर। उसी तरह ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर, यानी कि 3 - 5 कीजिए तो कितना आएगा, 15, और 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। जो लास्ट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑड नंबर डिवाइडेड बाई ऑड नंबर, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर, डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर का मतलब है जो डिनोमिनेटर जो है, यानी कि जो नीचे वाला रहता है, जैसे कि 15 डिवाइडेड 5 है, ठीक है, 15 डिवाइडेड 5 है, तो इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको डिवाइजर कहते हैं। उसी तरह या फिर चाहे तो इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15/5। तो ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ना, और ये जो नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिविजन मतलब डिवाइड कर दे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद जीरो आए, रिमाइंडर जीरो आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कहते हैं। एस सी एफ एलसीएम के चैप्टर में मैं आपको फैक्टर मल्टीपल ये सब के बारे में आपको बता दूंगा। यहाँ पे समझिए से फैक्टर होता क्या है। फैक्टर का मतलब यहाँ पे है कि जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। यानी कि ऑड नंबर, यानी कि 15 / 5, ठीक है, 5 के टेबल में 15 आता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, यानी कि 5 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, है ना, और 3 जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। इसलिए कंडीशन यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि 15 डिवाइडेड यदि आप 9 करते हैं, ठीक है, 15 और 9 दोनों ऑड नंबर है, लेकिन 9 जो है इसको एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं करता है, तो इस वाले केस में जो आंसर जो आएगा फ्रैक्शन के टर्म में आएगा या फिर डेसिमल के टर्म में आएगा, है ना, या फिर 5/3 आएगा, जो हमारा फ्रैक्शन है, और होल नंबर फ्रैक्शन में होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक शर्त दी गई है, कंडीशन दिया गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर हो किसका, न्यूमरेटर का या फिर उस नंबर का जो ऊपर नंबर दिया हो, डिविडेंड जो हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के कौन कौन से टाइप है देखते हैं। मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नाम सुनते ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा, फर्स्ट टाइप जो है ऑड नंबर का, वो है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इफ ए इज एन ऑड नंबर्स, यदि ए जो है ऑड नंबर्स है, तो देन a एंड a प्लस 2 आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। यदि कोई नंबर a अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो a प्लस या a प्लस 2 ये जो होगा हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जैसे कि 3, तो 3 और 3 प्लस 2 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो 3 और 5 जो होगा वो क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल से दिया गया, जैसे 13 और 15 दोनों ऑड नंबर्स हैं, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है, 2 का, इसलिए a और a प्लस 2 दिया गया है। यानी कि ऐसे ऑड नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है 2 है, ऐसे तो मेनली हमेशा ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 ही आता है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑड नंबर्स होते हैं उसको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है 29 और 31, ये सब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इवन फॉर निगेटिव ऑड नंबर्स, निगेटिव ऑड नंबर्स भी होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड वंस विल बी, जैसे -5 और -3, ठीक है, -5 और -3 भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, निगेटिव। नेक्स्ट जो है -13 या फिर -11, ये भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, लेकिन निगेटिव में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिट ऑड नंबर्स। अ कंपोजिट ऑड नंबर्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं।
विच इज फॉर्म बाय द मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, जो किसी दो पॉजिटिव छोटे पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन से आए, ऐसे नंबर को कंपोजिट ऑड नंबर्स कहते हैं। दे द या फिर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स विथ वन, या फिर वो नंबर वन से मल्टीप्लाई हो। द कंपोजिट ऑड नंबर्स अप टू 100, जो कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट ऑड नंबर्स अप टू 100 क्या क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले है 9। 9 कौन से दो पॉजिटिव ऑड नंबर्स का है, तो 3 × 3, ठीक है। 15 जो होगा किस कौन से टू पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर का होगा, तो 3 × 5 15 होता है। उसी तरह 21 7 × 3 होगा, है ना, मल्टीप्लाइंग है ना दो स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर्स का। उसी तरह 25 5 × 5, 27 9 × 3, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम पड़ा ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच का जो रहता है वो क्या रहता है, डिफरेंस 2 का रहता है ना। और कंपोजिट ऑड नंबर्स जो होते हैं वो स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन होते हैं। क्वेश्चन है, इज जीरो एंड ऑड नंबर, क्या जीरो जो है वो ऑड नंबर है और क्यों, ठीक है। तो जो जीरो जो होता है, जैसे कि आप लोग को रिकॉल करवाता हूं मैं, इवन नंबर हम किसे कहते हैं, जो 2n के फॉर्म में हो, जहां पे n जो होता है वो क्या होता है हमारा, इस वाले फॉर्म में हो, जो जहां पे n जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, एग्जैक्टली डिविजन हो जाने के बाद जो रिमाइंडर आए वो हमारा 0 आए, ठीक है। तो यदि आप 0 / 2 कीजिएगा तो जो रिमाइंडर जो आएगा, जो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 जो होता है उसको ऑड नंबर तो कहा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है, जिसका जो आंसर है वो 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है इसमें। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर जो 0 आए, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर, या फिर इसको इवन नंबर ना बोल के इवन इंटीजर बोला जा सकता है, 0 को इवन इंटीजर बोलेंगे, इवन इंटीजर। कहीं कहीं पे आपको 0 को इवन नंबर भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली जो 0 को बोलेंगे तो 0 को बोलेंगे इवन इंटीजर। क्यों, क्योंकि 0/2 कीजिएगा तो 0 तो आएगा ही, लेकिन 0/3 भी तो होगा, 0/3 भी तो 0 होगा, 0/4 भी 0 होगा, ठीक है। तो 0 को इवन नंबर बोलना ये पूरी तरीके सही नहीं है, 0 को इवन इंटीजर कहेंगे, ठीक है। और 0 जो होता है ऑड नंबर होता नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर के सक्सेसर और प्रीडिसेसर देखते हैं। जैसे कि सक्सेसर ऑफ अ नंबर एन, यदि n कोई नंबर है, होल नंबर है, तो उसका सक्सेसर क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग सक्सेसर का जानते हैं कमिंग जस्ट आफ्टर, या फिर सक्सेसर जो होता है गिवन नंबर प्लस 1 होता है। तो यहां पे n जो है वो गिवन नंबर है, तो इसमें क्या होगा प्लस 1, यानी कमिंग जस्ट आफ्टर। नेक्स्ट जो है हमारा प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर n, ठीक है, n यहां पे भी होल नंबर है। तो जैसे कि आपको बताया जा चुका है सर, जो प्रीडिसेसर जो होता है कमिंग जस्ट बिफोर नंबर होता है, गिवन नंबर माइनस 1 होता है। तो इसलिए गिवन नंबर यहां पे क्या है n, तो n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल होल नंबर्स एक्सेप्ट 0 हैव अ प्रीडिसेसर, यानी कि जो भी होल नंबर्स हैं 0 के अलावा उन सबके क्या है, प्रीडिसेसर हैं। क्योंकि 0 माइनस 1 कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, है ना, जो इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। इसलिए सारे होल नंबर में 0 को अगर यदि छोड़ दिया जाए तो 0 के अलावा जो भी नंबर है सबके क्या है, प्रीडिसेसर हैं। 1 इज अ नेचुरल नंबर विच हैज नो प्रीडिसेसर, 1 इकलौता ऐसा नंबर नेचुरल नंबर है जिसके प्रीडिसेसर नहीं होते हैं। क्योंकि 1 माइनस 1 कीजिएगा तो क्या होगा, 0, और 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जो है यदि वो नेचुरल नंबर है तो उसका प्रीडिसेसर नहीं होगा 1 का, यदि होल नंबर है तो 0 के अलावा बाकी सब नंबर का प्रीडिसेसर होगा, 0 का नहीं होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1 हैव अ प्रीडिसेसर, जो ये वाला पॉइंट कहा था
वो ये भी वही कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर्स के प्रीडिसेसर होते हैं वन के अलावा। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर प्लस और माइनस वन इक्वल्स टू ऑड नंबर। इवन नंबर में यदि हम प्लस वन करते हैं, यानी कि कोई भी इवन नंबर है उसमें यदि एक जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्टिंग वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। जैसे कि टू प्लस वन कीजिएगा आप तो क्या आएगा, थ्री। थ्री जो है आपका क्या है, ऑड नंबर है। उसी तरह टू माइनस वन कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो वन आएगा, और वन क्या है, ऑड नंबर। तो इवन नंबर में प्लस वन कीजिए या माइनस वन कीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑड नंबर, ऑड नंबर प्लस और माइनस वन कीजिएगा तो इवन नंबर आएगा। जैसे कि थ्री प्लस वन, थ्री क्या है, ऑड नंबर, उसमें प्लस वन कीजिएगा तो फोर, फोर क्या है, इवन नंबर। उसी तरह थ्री माइनस वन कीजिएगा तो क्या आएगा, टू, और टू भी क्या है, इवन नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर में प्लस वन कीजिए या माइनस वन कीजिए, रिजल्ट जो होगा हमेशा क्या आएगा, आपका इवन नंबर आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।